अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कल मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग शादाब से है बाकू पहुंच गए। रात में आके हम लोग बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोग कहीं बाहर गए, लेकिन हमने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बाकू। हमारा ड्राइवर आ गया यहाँ से, तो इंशाल्लाह बाहर मिलकर आपके साथ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम लोग निकल गए हैं बाकू घूमने के लिए। आज जुम्मे का दिन है, तो पहले जाके हम लोग जुम्मा पढ़ेंगे। ये हमारा होटल है। आज बाकू में गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी। क्या बोल रहे हो, होटल है? ये मानी होटल से नाखुश, निशान भी नाखुश और मैं भी नाखुश होटल से। तो अभी हम जा रहे जुम्मा पढ़ने। तो सी यू गाइस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, तो अब हम लोग आ गए हैं मस्जिद में नमाज के लिए, और ट्रैफिक की वजह से जो है हमारी जुम्मे की नमाज़ तो मिस हो गई है। जुम्मे की नमाज़ हमें मिस हो गई है, और अब हम जाके जो है अपनी जहर की नमाज़ अदा करेंगे। आया वजू वजू फी अलहमदुल्ला। ये मस्जिद है, ये छोटी मस्जिद है यार, तो समझे बहुत बड़ी होगी। ये मस्जिद है यार, हम सबसे बड़ी मस्जिद होगी लेकिन छोटी मस्जिद है। साथ में वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद शहदा, इसको मस्जिद शहदा कहते हैं। और ये एक फेमस बिल्डिंग है, अक्सर आप लोगों ने नेट पे बिल्डिंग देखी होगी। तो ये शहदा सिटी है, सॉरी बाकू के अंदर शहदा एरिया है, उसके अंदर ये मस्जिद है और ये बिल्डिंग उसके साथ है। चलो हम तो नमाज़ पढ़े ना, वो आ जाएगा। ये वजू का एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, देखे। चलो हम लोग चल के नमाज पढ़े। बोला बोला उसने, मनी बाबा वाले भी खुले। नमाज पढ़ के निकले हैं, नमाज पढ़ के निकले हैं। ये मस्जिद के बाहर का व्यू है। अब हम लोग जाएंगे तो बाकू को एक्सप्लोर करने जाएंगे। हम लोग बाकू को एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये हम लोग है शहदा एरिया है इनका, बाकू के अंदर शहदा एरिया, हम लोग उधर है। ये शादा फंदा खाना, हाँ। ये जो है ना गवर्नमेंट कमेटी की मजलिस है, कमेटी जो बैठती है ये उनकी जगह पे है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है इसमें ऑफिस भी है और रेस्टोरेंट बिल्डिंग भी है ये, और मॉल भी है। तो तीनों चीज़ें ये बिल्डिंग में, ये वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग्स है बाकू के अंदर। तो आइए चलते फिर एक्सप्लोर करें यार। हमने आगे कॉर्निश वगैरह भी जाना है, बहुत सारी जगहों पर आज विज़िट करना है इंशाल्लाह। क्योंकि प्लान हमारा ये है कि आज जो है बाकू एक्सप्लोर कर लेंगे, तो कल हम लोग इंशाल्लाह गबाला के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि अब एक बार अज़रबैजान आया है तो एक्सप्लोर करके ही निकलें। तो शहदाग वॉज हमारा गुड ऑप्शन जो हमने सेलेक्ट किया था। तो कल हम लोग ने होटल में डिसाइड किया कि यार शहदाग वॉज अमेजिंग,
तो हमें जो है बाकू भी जाना चाहिए, ओ सॉरी गबाला भी जाना चाहिए, लेकिन बाकू का एक्सप्लोर करके। ओके तो ये अब हम आ गए हैं اول عثمانيه زمان عثمانيه هذا كله داخل اذربيجان موت بس جيش ارمينيا اذربيجان اول قديم ايام ممكن اوتمان امبار 100 ايرز يس هذا كله عثمانيه عسكري عثمانيه موت اذربيجان شهاده اها اوكي في حتى عرب عرب كمان اوكي هذا كله عثمانيه دقيقه वो ये कह रहे हैं कि ये उस्मानिया के लोग हैं, आज से 100 साल पहले जंग के अंदर ये लोग शहीद हुए थे और इसमें मिक्स लोग है, तुर्की है, अरब है, सूरी है, तो ये उनके जो शहीद हुए थे उनकी जो कब्र है वो सब इधर है मस्जिद शहदा के पास, शहदा सिटी के अंदर, कि हमें वही बता रहे हैं। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो इन्होंने ऐसे बनाई हुई है, जैसे बहुत सारे लोगों की है, बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, काफ़ी सारे लोग। सूरिया ये सब वो उस्मानिया के पुलिस वाले हैं जो शहीद हुए थे जंग के दौरान। अच्छा यहाँ पे तुर्की अज़रबैजान का आप लोग देख सकते हैं झंडा भी लगा हुआ है, बाकू तुर्की। जेश अर्मेनिया अज़रबैजान ये बता रहे हैं इनकी अर्मेनिया के साथ जो अज़रबैजान की जंग हुई थी उसमें जो अज़रबैजान के जो लोग शहीद हुए थे उनकी जो खबर है वो यहाँ पे है। ये इतनी पुरानी नहीं है, यानी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको इनको शहीद हुए। आई थिंक ये 92 की जंग है इसमें शहीद हुए थे जो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में हुई थी। هذا جيش انا ارميني اذربيجان اول انت كمان يس 1992 سنه انا جيش سمسم بس نو موت ان شاء الله الحمد لله الحمد لله وہ بتا رہے کہ میں جو ہوں پہلے جو ہے اپنا جوش کی ارمانی کی جنگ میں یہ بھی تھے اور کہہ رہے الحمد للہ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے ماشاء اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے رکھے جس کو زندگی رہنا چاہے اس کو زندگی دے वैला ये माशाल्लाह यासर जो है बहुत अच्छे बंदा गाइड तो नहीं है बेसिकली। हमने एयरपोर्ट से वो जो एप्लीकेशन थी बोल्ट उसके थ्रू हमने अपना ट्रिप जो है बुक किया था शहदा के लिए बाकूस के एयरपोर्ट से, तो उसमें ये आए और ये हमें वहाँ से मिले। इन्होंने बहुत अच्छी प्राइस पे हमें शहदा जो इन्होंने हमें घुमाया ना, इट वॉज़ अमेजिंग। तो जो भी बंदा है मैं रिकमेंड करूँगा आप इनको कॉन्टेक्ट कर लो, जो भी बंदा है आप उनको रिकमेंड करूँगा, आप लोग भी रिकमेंड करना ताकि यार ये बंदा बहुत वैसे आप लोग फैमिली के साथ आए तो बहुत ही अच्छा है। ये बंदा बहुत हेल्पफुल भी है, काफ़ी चीज़ों में इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। अभी मज़ीद आज हमने फिर बाकू का प्लान किया था, तो हमने इनको नहीं बुलाना था, हमने सोचा था कि बाकू जो है हम लोग जो है खुद ही एक्सप्लोर करेंगे, टैक्सी कर लेंगे, लेकिन जो बंदे ने शहदाक में हमें सपोर्ट किया और तरह तरह की जगह घुमाई हमें एक्सप्लोर करवाई, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हसीन जगह है, तो हमने फिर यही फ़ैसला किया कि बाकू के लिए भी इनको कॉल कर दे और इनके साथ ही घूमें। और हमने सुबह में 11 बजे हम लोग से उठ गए थे, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया 10 बजे, तो हमने इनको फिर ना 10:30 बजे फ़ोन किया कि हमें ऐसे जाना है, क्या आप बताओ अवेलेबल हो। तो भाई हमने इनको कॉल किया, बंदा नीचे पहुँचा हुआ, हम लोग रेडी भी नहीं। داخل اذربيجان قبل 90 سنه بس اول اتفاق سوفيت بس في نفر تقريبا 600 نفر 600 نفر واحد اليوم واحد عسكري روسيا
هذا كله أذربيجاني؟ نعم هذا كله أذربيجاني. روح إن شاء الله في هذا مكان. مكان طيب. بس هذا ما في عسكرية بس نفر عادي. نفر عادي. هذا كل هذا موت. وايد لهم. نايت. 600. أشا يه بتاري يه حبي جتني بيه. 20 جمبر 90 سنة. ये बता रही ये जो सारे 92 की जो जंग में इनकी जो आर्मी शहीद हुई थी उनकी कब्र है और ये भी बता रहे हमें उधर लेके आ रहे जो इनकी रूस के साथ इनकी अज़रबैजान की जंग हुई थी तो उस जंग के अंदर जो है रूस के साथ इनकी जंग हुई थी उस जंग के अंदर जो है लोग जो शहीद हुए थे जो लोग आम लोग अपने मुल्क के लड़ते हुए जो शहीद हुए थे उनकी कब्र पर लेके जा रही है इधर से जंप करना पड़ेगा मुझे अब ये बता रहे ये जहाँ पे हमें लेके जा रहे वो लोग आम लोग थे रेसिडेंट्स ऑफ अज़रबैजान ये आगे जगह हाँ तो कुल्लू नफर आई थी दीज आर द नॉर्मल सिविलियंस ऑफ अज़रबैजान हाज़ा इज़ द वॉच سلاسة اليوم هذا هو سلاسة اليوم هذا زمان هذا زمان بس هذا رجال نايت موت هذا عسكرية روسيا بس هذا زوجة بعدين ان شاء الله هذا قصد عشان كده سلاسة اليوم بس سلاسة اليوم سلاسة اليوم بس ازدواج زواج سلاسة اليوم سلاسة اليوم इनकी जो शादी थी यहाँ ये बता रहे हैं कि इनकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे तो बंदे के जो है शौहर को इनकी आर्मी ने रूसिया की आर्मी ने मार दिया था तो उसके गम के अंदर जो है ये बंदी ने अपने आप को खुद मार लिया खुदकुशी कर ली बाकी यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये देख रहे आप ये सब आम सिविलियन थे कोई पुलिस नहीं थी कोई आर्मी नहीं ये लोग अपने मुल्क के लिए लड़ के शहीद हुए हैं तो ये सारे वो लोग हैं जिनकी फ़ोटोज़ भी आप लोग देख सकते हो इधर लगा दिए ये सब जो है सबको सब शहीद रहते यहाँ पे सब ये वो है जो शहीद रहते हैं कि जंग के दौरान फिर बताऊँगा इस नॉर्मल सिविलियन से सब नॉर्मल सिविलियन से ये आई थिंक हर एक को जो जो विज़िट किया होगा उसने फूल रखा हुआ इनके सब घर के ऊपर वेल ये بعدين هذا 90 سنة بعدين هذا جمهورية أذربيجان خلاص هذا موت نفر خلاص اتفاق سويت فينيش هذا جمهورية بعدين جمهورية استقلاليات شو جمهورية أذربيجان यहाँ पे बच्चे के स्कूल का ट्रिप आया हुआ मदरसा यहाँ पे बच्चे के स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ बच्चे स्कूल का ट्रिप भी आया हुआ इधर बच्चे के स्कूल का ट्रिप आया हुआ था इधर इस जगह को विजिट करने के लिए هذا عسكرية هذا كله عسكرية هذا على نفر عادي ये बता रहे कि ये जो नीचे जितने भी आप लोग को पहले दिखाई है ना यहाँ पे ये सारे जो आर्मी के लोग हैं सारे और ये राइट भी जितने भी है ना नॉर्मल सिविलियंस है उम्र 14 हाँ ये बच्चा था जो 14 साल की जंग में शहीद हुआ था उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी ये जो इनकी जो जंग हुई थी आप अगर करीब से देखेंगे ये 90 में 20 जनवरी 1990 को से सब लोग 600 लोग जो है एक दिन के अंदर इनको शहीद किया गया ये सब लोगों को
तो ये है शहदा मस्जिद, शहदा इस नाम को मस्जिद शहदा लिखा। थोड़ा सा यहाँ से अच्छा लग रहा है, व्यू आ रहा है सामने। सिंपल फायर, एक नॉर्मल फायर की जगह आई है यहाँ पे। और मुझे पीछे समंदर नज़र आ रहा है जहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप होना है। कॉर्निश कहते हैं, बाकू का कॉर्निश है, हमारे सऊदीया में भी कॉर्निश है, कराची में हमारे पाकिस्तान में क्लिफ्टन है, और यहाँ पे बाकू में कॉर्निश है। कॉर्निश आग जली हुई है भाई, देख सकते हो आप लोग। पहले से आगे जाने का मना है, फिर मैं जाके देख लेता हूँ। ओके दैट्स कूल। ओके समथिंग गुड, लुकिंग गुड। ये है भाई, मुझे लगता है यही कॉर्निश होना चाहिए। व्यू तो यहाँ से बहुत प्यारा आ रहा है, खूबसूरत व्यू आ रहा है, व्यू बहुत खूबसूरत है। आई थिंक यही कॉर्निश है, क्या बोलते हैं? नहीं ठीक है। ये था शहदा, शहदा एरिया बाकू के अंदर, शहदा एरिया। आप लोगों को जैसे बताया है, यहाँ पे जितने भी शहीद लोग हैं, इनकी जंग में जो शहीद हुए उन सबकी जो कब्रें हैं वो इधर है। अब इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी स्टॉप करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। उम्मीद है हम लोग कॉर्निश जाएंगे बाकू के, तो फिर वहाँ पर आके आप लोग, तब तक के लिए अल्लाह। अच्छा ये बोला, ये जो है क्रिसमस के ट्री की तरह है, क्या पूरे साल ये ग्रीन ही रहता है, झड़ता नहीं है और ना इसका कलर चेंज होता है। अब कह रहे क्रिसमस ट्री की तरह है। अभी कोई बोला जगह है पनारोमा, तो कह रहा मैं तुम लोग को वहाँ लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ कभी हाँ थे कह रहा है, ये झड़ने के बाद थोड़ा सा ऐसा कलर का हो जाता है, यानी लेकिन झड़ता नहीं है, पूरे साल ग्रीन रहता है। दैट्स गुड, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज शेयर कर रहे। अभी अगले हम पनारोमा के पास जाएंगे, तो लेट्स मूव मूव मूव। आज का दिन भी मुझे लगता है बड़ा लंबा होने वाला है। यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे यार, आज मौसम में मज़ा नहीं है, मौसम जो है ना आज वैसा नहीं है। डेनिस मॉल, अच्छा सामने जो दिखा रहे हैं हम फैन, हाँ जा है ना, आई वही वाह, हाँ जी हाँ। अच्छा सामने जो आप लोग देख रहे हो ये डेनिस मॉल है, डेनिस मॉल है, और वो सामने जो आप देख रहे हो गोल सा, ये वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा होगा, वो कह रहा है कि वो जो है जानमाज की तरह उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो जानमाज को आप गोल करते हो तो ऊपर का जो डिज़ाइन होता है वो वैसा डिज़ाइन है। वेला तो यहाँ पे आप देखो कौन सी वो मौसम में आज मज़ा नहीं है, मौसम आज जो है ना गर्म है। सुबह में हम जब सो के उठे थे ना, बहुत खूबसूरत मौसम था, सुबह में बारिश वाला मौसम था, ठंडा था, और अपना बादल ही बादल थे, धूप ही नहीं थी। सामने पूरा जो देख रहे हो आप समंदर, जो ये कॉर्निश है पूरा, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वही है, हमारा नेक्स्ट स्टॉप यही कॉर्निश है। और यहाँ पे है कुछ मंजरा, हाँ था रेस्टोरेंट सा, हाँ ये है कोई मंजरा रेस्टोरेंट है ये, राइट पे मंजरा नाम है इस रेस्टोरेंट का। आज हमें ट्रैफिक भी बहुत मिला है क्योंकि इनके ऑफिसेस भी ओपन हैं, स्कूल्स भी चल रहे हैं,
तो जिस वजह से हमें ट्रैफिक भी बहुत मिला है। सो के उठने में हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए, हम लेट नहीं हुए, मानी साहब जो हमारे दोस्त साथ आया हुआ वो लेट हो गया। तो यासर भाई ने भी तेज़ी दिखाई, उनको बोला हमने फ़ौरन आ गए। तो उसके बाद जो अच्छा हम लोग निकल आए, वरना मुझे लगा था आज तो हम लोग लेट तक सोते ही रहते, क्योंकि हमारा इरादा है कल गबाला एक्सप्लोर करने का इंशाल्लाह। तो इस वजह से हमने कहा आज जो है आज हम लोग निकल जाए बाहर। अरे कॉर्निश खुल्लू सा खुल कॉर्निश कॉर्निश ये पूरा सामने कॉर्निश है दाहिने ना कॉर्निश ان شاء الله بعدين ان شاء الله رو كورنيش في فينيسيا نو الحين شوي كورنيش هار الحين الحين روح ان شاء الله هذا فاير نو 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 فاير هذا مطب مطب غريب في فوتو اي لايك باكو طيب اوكي اي لايك باكو اي لايك باكو خلاص اوكي अच्छा मैंने इनसे ये पूछा कि हम लोग अभी का कॉर्निश जाएंगे, तो कह रहे अभी कॉर्निश बहुत गर्म होगा, अभी जाके फ़ायदा नहीं है। तो कह रहे मैं तुम लोग एक दूसरे स्पॉट पे लेके आता हूँ, जहाँ पे एक बाकू की एक वन ऑफ फेमस जगह है, कोई जहाँ पे कह रहे आई लाइक बाकू लिखा हुआ है, तो क्या वहाँ जाएंगे, वहाँ से एक और जगह जाएंगे फायर माउंटेन है कोई, फिर वहाँ से हम लोग इंशाल्लाह वापस जो है कॉर्निश पे आएंगे। सो वहाँ जाएंगे। कल मैंने आप लोग को निज़ामी स्ट्रीट दिखानी थी, कल मैंने विज़िट किया था लेकिन यार बहुत थके हुए थे हम लोग, तो कल जाके हमने सिर्फ चिल किया है निज़ामी स्ट्रीट पर आके। हम लोग ने ड्रिंक्स वगैरह लिए है बस, वो वहाँ पर थोड़ी सी गपशप लगाई दोस्तों ने हम लोग ने बैठ के कैफ़े में बैठ के। तो बस इस वजह से हम लोग ने कल कोई वीडियो नहीं की, और कल हम लोग सब बैठ गए साथ, हमने फैसला किया कि आज जो है सब मिलके हमने फैसला किया, शादाक से निकल के फैसला हो गया था कि भाई आज हमने कोई भी हम में से मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, इस आज शादाक से निकल के ही फैसला हो गया था।